दोस्तों, वैसे तो काफ़ी बार देखा जाता है कि जब हमारे वी शुगर से चिपकने की कोशिश करते हैं या फिर उनको हक करने की कोशिश करते हैं तो शुगर रेसिस्ट कर देते हैं। पर एक बार वी को बचाने के लिए और उनको डिफेंड करने के लिए शुगर सबसे लड़ गए थे और ये मोमेंट आर्मीज के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों, हम सभी जानते ही हैं कि पहले वी का बिहेवियर काफ़ी फनी था और वो बहुत ही अजीब और वियर्ड हरकतें भी करते थे जो आर्मीज को काफ़ी क्यूट लगती थी। लेकिन समय के साथ वी ने वो सब करना बंद कर दिया और वो काफ़ी सीरियस और मैच्योर हो गए, क्योंकि बहुत ही सारे लोग पहले उनका मजाक बनाते थे। दोस्तों, इसी बात को लेकर एक बार एक इंटरव्यू में वी से सवाल किया गया था कि आखिर वो बहुत ही सारे मोमेंट्स पर या फिर इंटरव्यूज में इतना सीरियस क्यों रहते हैं। दोस्तों, इंटरव्यूअर का सवाल ये था कि बहुत ही बार आर्मीज या फिर लोग नोटिस करते हैं कि लोगों से बात करते टाइम या फिर कुछ भी करते टाइम वी बहुत ही सीरियसली उनको घूरते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वी उनको पसंद नहीं करते हों या फिर वी का उनको लेकर कुछ बैड इंटेंशन हो या फिर उनके मन में उन सामने वाले पर्सन को लेकर फीलिंग अच्छी ना हो, जिसको सुनकर शुगा ने वी को डिफेंड किया था और उन्होंने ये बोला था कि ऐसा बहुत बार होता है कि लोग वी के एक्सप्रेशन को लेकर मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, लेकिन असल में वी का दिल बहुत ही साफ है। दोस्तों, शुगा का ये भी मानना है कि वी कभी कभार ऐसे सीरियस लुक्स देते हैं लेकिन अक्सर उनकी बड़ी सी स्माइल आपका दिल जीत ही लेगी। दोस्तों, इंटरव्यूअर ने वी से जब ये सवाल पूछा तो वी ने उन्हें बताया था कि वो इस बात को काफ़ी बार सुनते रहते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि वी दूसरे लोगों को पसंद नहीं करते। दोस्तों, इवन यूट्यूब पर या फिर बहुत ही सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ऐसी कुछ वीडियोस हैं जहाँ पर इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सिग्निफाई किया गया है कि बाकी लोगों के आसपास किस तरीके से वी बहुत ही सीरियस थे और इसका मतलब ये है कि वी उन्हें पसंद नहीं करते, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, इसीलिए वी को डिफेंड करने के लिए शुगा ने इंटरव्यूअर को ये भी बताया था कि वी जब भी किसी बात पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वो काफ़ी सीरियस हो जाते हैं और बहुत ही सीरियस लुक भी देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने वाले को पसंद नहीं करते। साथ ही साथ शुगा का ये भी कहना था कि पहले जब भी अपनी ट्रू पर्सनैलिटी लोगों के सामने रखते थे तो लोगों को वो पसंद नहीं आती थी। बहुत से लोग वी को बच्चा या फिर बचकाना कहकर उनका मजाक बनाते थे, इसकी वजह से वी ने काफ़ी सारी चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अभी भी जब भी वो BTS मेंबर्स के आसपास होते हैं और BTS के काफ़ी सारे वैरायटी शोज में भी ये चीज़ देखी जा सकती है कि वी बहुत ही खुलकर मेंबर्स के आसपास रहते हैं और अभी भी टाइम के साथ उनका नेचर नेचुरली थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन वी बहुत ही सारी चीज़ों को लेकर अभी भी पहले जैसे स्वीट और इनोसेंट ही हैं। और दोस्तों, शुगा का इस तरीके से वी को डिफेंड करना आर्मीज को काफ़ी अच्छा लगा था और इससे ये पता चलता है कि शुगा और वी का बॉन्ड कितना ज़्यादा स्वीट है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि शुगा का इस तरीके से वी को डिफेंड करना आपको कैसा लगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।